लेकिन समाज में जो बदलाव लाने की आवश्यकता है उसको ऐसे हम मजाकिया विषय या राजनीति के कटघरे में खड़ा न करें, एक सामूहिक दायित्व की ओर हम चलें। आप देखिए बदलाव दिखेगा। आप देखिए इन बच्चों ने जो काम किया, मैं डेली इन बच्चों के चित्रों को पिछले 15 दिन से सोशल मीडिया में पोस्ट करता था, बड़े गौरव से पोस्ट करता था। मैं उस बच्चे को जानता भी नहीं था, लेकिन मैंने चित्र देखा, बच्चे ने उत्साह दिखाया स्वच्छता का, मैं उसको पोस्ट करता था और करोड़ों लोगों तक वो पहुंचता था। चलो भाई ये क्यों कर रहे हैं, ये निबंध स्पर्धा क्यों? निबंध स्पर्धा से स्वच्छता होती है? तुरंत तो यही लगेगा, नहीं होती है। ड्रॉइंग स्पर्धा से सफाई होती है? नहीं। स्वच्छता के लिए वैचारिक आंदोलन भी जरूरी है। व्यवस्थाओं के विकास से ही परिवर्तन नहीं आता है जब तक कि वैचारिक आंदोलन पैदा नहीं होता है। ये जो प्रयास है, फिल्म बनाइए, क्रिएटिविटी लाइए, निबंध लिखिए, ये सारी चीजें इसको एक वैचारिक अधिष्ठान देने का प्रयास है। और जब कोई बात हमारे जहन में विचार के रूप में घुस जाती है, तत्व के रूप में स्थान पा लेती है, फिर उसको करना बड़ा सरल हो जाता है।